स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार नजरे नेमत है खुदा की इसके नज़ारे खूबसूरत लगते हैं इन्हीं से है हमारी दुनिया हसीन ये न हो तो हो जाए हमारी दुनिया गमगीन जी हाँ हमारी नजरों का सही होना बहुत जरूरी है हमारी आंखों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है लेकिन कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं आ, कभी कभी हमें धुंधला दिखाई देता है या कम दिखाई देता है हम लापरवाही करते हैं नजरअंदाज करते हैं और आगे चलकर ये समस्या जो है काफी हद तक आगे बढ़ जाती है और इसमें परेशानियां जो है वो हमारी ही बढ़ जाती हैं कई बार आंखों से संबंधित कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जो आनुवंशिक होती हैं कुछ बचपन से होती हैं कुछ बढ़ती उम्र के साथ होती हैं तो क्या क्या है ये समस्याएं क्या इनके लक्षण हैं कारण हैं क्या इनके उपचार हैं निदान है आज हम इन सब पर चर्चा करेंगे आपको बता दें आज हमारे स्टूडियो में इस चर्चा के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर दीपांकर जो कि सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और इस वक्त सदर हॉस्पिटल रांची में अपनी सेवाएं दे रहे हैं डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में नमस्कार है सर आ, सर आंखों का हमारे जीवन में क्या स्थान है इसकी कितनी अहम भूमिका है ये शायद किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है हम मतलब पलक भर भी अगर हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और उसी से समझ में आ जाता है कि थोड़ी ही देर में कैसा अंधेरा छा जाता बिल्कुल है बिना आंखों के तो जिनके जीवन में बिल्कुल अंधेरा है वही समझ सकता है तो ये इस अंधेरेपन से बचने के लिए आंखों से संबंधित समस्याओं से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि लोग इसके बारे में जाने और जानकार रहें तो आज हमारी कोशिश होगी कि लोगों को इसके बारे में हम जागरूकता फैलाएंगे तो सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे तो बढ़ती उम्र के साथ या किसी चोट के कारण दुर्घटना के कारण कुछ ना कुछ समस्या होती है और आजकल जो हमारी आधुनिक जीवन शैली है जो हमारी हमारा जो तरीका है जीवन जीने का चाहे वो किसी भी उम्र की बात हम करें कुछ कुछ ना कुछ समस्या है सबसे ज्यादा जो समस्या अभी हम देख रहे हैं बहुत सारी समस्या है लेकिन जो कॉमनली जो अभी हम देख रहे हैं आप भी देख रहे, भी देख रहे होंगे एज ए डॉक्टर आंखों का सूखापन कई लोगों से आप भी सुने होंगे हम भी सुनते हैं कि आंखों में ड्राईनेस लगता है आंखों का ड्राई हो जाना ये ये क्या है और किन कारणों से होता है जी आंखों का सूखापन अर्थात आंख में जो है जैसे हम लोगों के आंखों में पानी जो बनता है जी, जी उसके तीन लेयर्स होते हैं जो आंखों की परत को ढक के रखते हैं मॉइसन करके रखते हैं ताकि हम जब आंख आंखों में कोई नमी की जो मह, महसूस होती जे, जे, है वो जे, नमी जे, हमेशा बनी रहे जे, 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 लेकिन कभी भी अगर किसी भी कारण से इसमें कुछ कमी आ जाए तो कुछ कुछ उसमें शिकायत होती है जैसे कि आंख गड़ने लगता है हाँ। आंख में चुभन होना लाल हो जाना आंख में बार बार पानी आना पानी आने क्यों आता है क्योंकि जब आंख में सूखापन होता है तो आंख और पानी बनाने की कोशिश करता है अच्छा। जिस वजह से ज्यादा पानी भी आता है अच्छा तो ये सब इसके मुख्य लक्षण है और इनका प्रमुख कारण जैसे आजकल हम लोग बहुत ज्यादा देर तक मोबाइल लैपटॉप इन सब सारी चीजों पर रहते हैं खास करके एसी में रहते हैं एसी की हवा डायरेक्ट हमारी आँखों को पड़ रही है तो ये सब आँख को तुरंत ड्राई करता है जो एसी होता है वो सब नॉन ह्यूमिडिफायर्स होते हैं और सारे जो होते हैं ह्यूमिडिटी को खत्म करते हैं तो ह्यूमिडिटी जब खत्म होगी तो आंख में सुखापन बढ़ता है हम सिस्टम पर मतलब कंप्यूटर पर लैपटॉप मोबाइल पर काम करते हैं तो हमारी जो आंख की ब्लिंक होती है ये ब्लिंक घट जाती है कारण क्या है कि अगर हम बार बार ब्लिंक करेंगे तो हम कंसनट्रेट नहीं कर सकते हैं और जब कंसेंट्रेशन नहीं होता है तो फिर ब्लिंक को घट ब्रेन जो होती है उस ब्लिंक को घटा देती है जिस वजह से धीरे धीरे करके सुखापन हमारे आंखों में बढ़ने लगता है बिल्कुल तो इन सब चीजों से बचने के लिए देखिए हमारी जो जो अभी कार्यशैली वैसी हो आ, गई है हाँ, कि हम लोग उसको अवॉइड नहीं कर सकते उसके बिना तो आप सोच ही नहीं कल्पना ही नहीं कर सकते किसी बिल्कुल काम बिल्कुल की। बट कुछ चीजों को ख्याल रखना है जैसे मान लीजिए अगर हम लगातार कंप्यूटर पर लगातार मोबाइल पर बैठे हैं तो दो तीन चीजों को जैसे हर पंद्रह से बीस मिनट पर एक बार आंख को रेस्ट देना है हमें अपनी आंखों को बंद कर लेनी चाहिए एटलीस्ट 20 सेकंड के लिए आंख को बंद कर सकते हैं चाहे कितना भी व्यस्त हो लेकिन अपने आंख की तो सुरक्षा खुद रखनी है बिल्कुल, बिल्कुल। तो 20 सेकंड के लिए आंखें बंद कर लें फिर जब आंखों को खोलें तो थोड़ा फ्रीक्वेंट ऐसे ब्लिंकिंग कर लें और ब्लिंक करने के बाद आप डायरेक्ट सिस्टम चाहे मोबाइल नहीं देख के दूर देखें एंड अच्छा। देन आप अपना मोबाइल या अच्छा। फिर जो अगर अच्छा। मोबाइल ये कंप्यूटर कर रहे हैं ये करें इसको अपने कार्यशैली में जरूर अपनाए क्योंकि दिल्कुर। इसको करने से हमारे जो जो नमी जो घट रही होती है उसको रिप्लेनिश कर देता है आंख और हम लोग जो ब्लिंक रहती है उसको एक सामान्य जो नेचुरल जो प्रोसेस है हमारा आंख वॉश रखने का ये एक तरीका है ये बहुत अच्छी बात सर आपने बताई है और ये हर कोई कर सकता है कि बीच बीच में बीस सेकंड तक अपनी आंखों को रेस्ट देख, देख, फिर ब्लिंक कर लें फिर दूर एक बार देख लें और उसके बाद अपने मोबाइल या लैपटॉप पर नजर डालें तो ये ये बहुत ही आसान तरीका है लेकिन जरूरत है इसको अपने अंदर समा कर रखने की कर याद रखने की, की ताकि काम करते समय हम इन बातों का ख्याल रखेंगे तो ये जो परेशानी बढ़ती जा रही है उससे निजात मिलेगा तो ऐसे बीच बीच में जैसे इनको इनको परेशानी हो गई है सर चाहे वो छोटे बच्चे हों या युवा हो या बड़े लोग तो कुछ कुछ उनके अगर उपचार की बात अगर हम करते हैं कुछ ड्रॉप्स की या हाँ। कुछ दवाओं की तो कुछ आ, ऐसा कुछ हो हो सकता है कि हाँ। ये ठीक हो सकता है जी बिल्कुल देखिए हाँ। ये सब चीजों को तो अपने में रखना ही है साथ हाँ। ही साथ अगर मान लीजिए आपको काफी जलन हो रही है हाँ, पानी हाँ, आ रहा है हाँ। तो सिर्फ ये देखिए पहली बात है कोई भी बीमारी जो होती है वो खुद से कभी भी हम लोगों को गेस करके उसका उपचार नहीं करना चाहिए और दिखा लेना चाहिए हम लोग कभी भी सोचते हैं कि बहुत हो सकता है कि कोई बहुत सामान्य सा चीज हो लेकिन कभी कभी ये गंभीर बीमारी का भी रूप ले लेता है जो कि कभी खुद मतलब किसी मरीज को पता नहीं चलता है जी, जी, तो हमेशा कभी भी कोई दिक्कत हो तो एक बार अपने निकटतम नेत्र रोग विशेषज्ञ से अवश्य मिले ड्राइनेस की जांच भी होती है टेस्ट टेस्ट हुए बहुत सिंपल से टेस्ट सब होते हैं जो ऑलमोस्ट एवरी हर नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जी, होते जी, हैं।, जी, हैं वो सारी चीजें की जांच कर लेते हैं उसके हिसाब से स्टार्टिंग में कुछ ड्रॉप्स स्टार्ट दिए जाते हैं ड्रॉप्स हैं उनके रूप में मलहम के रूप में भी हो सकते हैं ड्रॉप भी हो सकते हैं गंभीरता को देखते हुए बीमारी की अगर इन सब चीजों से रिलीफ मिल जाता है आराम मिल जाता है एक्सरसाइजेस है इन सबसे अगर रिलीफ मिल जाती है तो, तो बहुत अच्छी बात है अगर रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर हम लोगों को एक स्टेप ऊपर जाना पड़ता है जिसमें पंक्टल ऑक्लूजन आता है मतलब जो हमारे आंख में मान लीजिए पानी ही कम बन रहा है हुँ। अगर ऐसी स्थिति है तो पानी अगर कम बन रहा है तो पानी को जल्दी जाने से रोकने के लिए भी बहुत सारी चीजें होती तो है जैसे पंखा ऑक्लूजन हो गया ये सब सारी चीजें की जाती हैं तो हमारी मतलब बीमारी की गंभीरता को देखते हुए ही इलाज उसका करना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है सर कि अगर इस तरह की परेशानी हो रही है तो ये नहीं कि खुद से गए और खुद से कोई दवा ले ली ड्रॉप ले लिए और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे हानि भी हो सकती है बेटर होगा कि अगर ज्यादा समस्या है तो आप एक बार निकटतम अपने नेत्र ने रोग विशेषज्ञ से दिखा लें और उनके परामर्श के अनुसार ही आंखों की जो है चिकित्सा है वो करें अगर हम इसको ध्यान नहीं देते हैं सर लापरवाही बरतते जाते हैं तो अंततः कुछ गंभीर स्थिति हो जाती है क्या जी जरूर अगर हमारी आंख में जो सुखापन है ड्राइनेस है अगर बहुत सीवियर है तो ये हमारे यहां की रोशनी तक जाने तक का खतरा रहता है अच्छा। और इसके अलावा जब हमारी तो सिर्फ ड्राइनेस की बात हो गई कभी कभी होती है कि ये ड्राइनेस जो होती है किसी और कारणों से भी होती है जो कि सिर्फ एक मोबाइल लैपटॉप ही जरूरी नहीं है ये तो आमतौर पर देखा गया बट कुछ और भी कारण हो सकते हैं हमारे इम्यूनो अगर वैसा कुछ पेशेंट्स हैं तो उनकी वजह से भी हो सकती है तो वैसे कंडीशन में एक बार जब डॉक्टर को आप दिखाइएगा तो उसकी लेंगे कि उसकी जानकारी लेंगे पता चलेगा कि किस कारण से हो रही है और तब उन चीजों को मेन जो रूट कॉज है है उनको ट्रीट करना जरूरी बिल्कुल मतलब कोई और अगर समस्या है आ, तो साथ साथ तो उसका भी ये साइड इफेक्ट हो सकता है, है। कि आंखों में ड्राइनेस हो जाता जी, है अच्छा कई बार अब आप, आप थोड़ी सी आ, सवाल को हम दूसरी तरफ ले जाना चाहेंगे जो ये पावर की बात है जो चश्मे के पावर की बात होती है कई बार इसको हम लोग भी अवॉइड करते हैं बहुत ज्यादा लापरवाही बरतते हैं दिखाई नहीं दे रहा है तो भी नंगी आंखों से देखते हैं कई बार लोगों को चश्मा चढ़ जाता है तो भी चश्मा नहीं लगाते हैं, नहीं हैं। तो आ, ऐसे ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे किस किस उम्र से इस तरह की शिकायतें शुरू हो जाती हैं जी देखिए जो जो चश्मा जैसे लगता है किसी को भी तो ये बचपन से भी लग सकता है हाँ, और इन सब चीजों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए आजकल कर इसीलिए सब शिक्षकों को जागरूक किया जा रहा है कि उहु, आप उहु, अपने स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं कि स्टार्टिंग से ही चश्मा दिया जाए वजह है कि हम जिन चीजों को मान लीजिए हमारे पास हमारे आंखों में बहुत ज्यादा पावर है और हम लोग बहुत दूर दूर के चीजें नहीं दिख पा रही हैं हमें तो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे बस उस लेकिन शिक्षक जो है वो देख पाते हैं कि हाँ पीछे बच्चे बच्चा बैठा है वो ध्यान नहीं दे रहा है किसी कारण से तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि दिखाई नहीं दे रहा है तो ये सब बच्चों में ही और स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाई जाती है दिल्कुल, दिल्कुल। तो जिसमें हम लोग जाते हैं स्कूल विजिट्स करते हैं और बच्चों को पढ़ाया जाता है पता चलता है कि हाँ किन बच्चों में चश्मा नहीं मान लीजिए अगर किसी बच्चे को चश्मा लगता है तो उसे जरूर पहना है नहीं पहनाने से अगर पावर ज्यादा रहता है या फिर दोनों आंखों के पावर में काफी ज्यादा डिफरेंस रहता है तो एम्ब्लायोपिया होने का चांसेस रहता है एम्ब्लायपिया का मतलब होता है एक फंक्शनल लॉस है, जिसमें हमारी आंख चाहे चश्मा दे तो भी उस चीज को दूर की दृष्टि को देखना मतलब दूर की चीजों को देखना बंद कर देता अच्छा। है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए चश्मा बहुत जरूरी है और ऐसे कंडीशन में एक बार आ, सभी आ, माता पिताओं से ही यह निवेदन रहेगा कि आ, खास करके उन माता पिताओं से जिनको मायोपिया है मतलब माइनस पावर है वो अपने बच्चों को जरूर दिखाएं क्योंकि ये फैमिली में रन करता है आ, तो ये सब चीजों को देखते हुए अपने जैसे ही वो लोग पढ़ने लगते हैं एक बार निकटतम नेत्र विशेषज्ञ से अवश्य मिले और उनकी सलाह पर ही आगे कार्य करें और जैसा मैं अभी बता रहा था कि अगर हम लोग बार बार छोड़ देते हैं चश्मा हाँ, 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 हाँ. तो एम्ब्लायोपिया इंड्यूस होने के बाद से मतलब वो रोशनी हम चश्मा देंगे भी तो भी तो उनको भी. दूर का अच्छा नहीं दिखेगा हुँ. फिर उसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं बहुत सारे एक्सरसाइजेस होती है जिनको करवाना पड़ता है यूजली प्रथम आठ सालों में अगर एम्पलायोपिया इंड्यूस भी होता है तो आ, कुछ कुछ टेस्ट होते हैं एक्सरसाइजेस होती हैं जिनकी वजह से उस रोशनी को चश्मा देने के बाद वापस लाया जा सकता बिल्कुल, है बिल्कुल बिल्कुल एक और कारण है कभी कभी मान लीजिए हमारी आंखों की बीमारी होती है कुछ आंख के अंदर अच्छा, है वो चीजें हैं तो भी रोशनी कम दिखाई दे सकती है तो ये चीजें कोई नेत्र रोग विशेषज्ञ को जब आप दिखाएंगे तभी वो सारी चीजें बातें पता चलती हैं बिल्कुल और चश्मा बहुत हाँ जी जी जरूर जरूर और चश्मा जो है अगर पावर है तो उसको कोशिश करनी चाहिए हमेशा पहने उसको इग्नोर नहीं करें बच्चे हैं तो अगर मायोपिया है तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे पावर बढ़ते जाने के चांसेस रहते हैं 20 सालों तक पावर बढ़ता है तो हर छह महीने या जैसे आपके नेत्र विशेषज्ञ जो सलाह देते हैं वैसे जा के उनसे मिलना है और चश्मे की जांच करवाती रहनी चाहिए उम्र जैसे जैसे बढ़ता है फिर जो नॉर्मल होती है प्रेस बायोपिया मतलब चालीस साल के उम्र के बाद से नियमता नजदीक का पावर आने लगता है चालीस के आसपास से तो वैसे कंडीशंस में ये एक कोई बीमारी नहीं है और ये ये बढ़ती उम्र के साथ एक सामान्य प्रक्रिया है प्रक्रिया है, प्रक्रिया है लेकिन हाँ। जांच कराना जरूरी है, जी, है। जी, जी और अगर पावर निकलता है तो उसको पहनना भी बहुत जरूरी है, है। कई लोगों को दोनों समस्या हो जाती है दूरदृष्टि निकम जैसे दोनों ही दोष हो जाता है तो वैसे में भी उपाय हर चीज के लिए है तो वो जरूरी है कि चश्मा लगाए ताकि आंखों में इसके लिए इसके चलते कोई और समस्या ना हो जाए जी तो अगर हम अब बढ़ती उम्र के साथ जो आंखों की और जो सामान्य परेशानियां होती है सर उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे तो आमतौर पर बच्चों में जैसे आनुवांशिक आपने बताया कि एक पावर की समस्या तो हो सकती है हा, 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 की समस्या हा, और हा, क्या क्या होने के चांसेस होते हैं जी आ, इसके अलावा जैसे अगर मान लीजिए कुछ बच्चे हैं और कुछ कंजनाइटल डिजॉर्डर्स हैं जो की आंखों में बाद में धीरे धीरे विद द टाइम पता चलता है तो ये सारी चीजें कुछ कुछ फैमिली हिस्ट्री के साथ भी रिलेटेड होती है तो बच्चों को तो खैर दिखाते ही रहना है किसी भी प्रकार से अगर बच्चे बोल रहे हैं कि मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है तो इन सब चीजों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और दिखाना है अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मान लीजिए किसी आ, मरीज है जो है जो शुगर का मरीज है हाँ हाँ। अब शुगर का मरीज है तो उसको अब मैंडेटरी हो गया है कि अपनी आंखें जरूर दिखाएं क्योंकि जैसे जो शुगर होता है वो सिर्फ शरीर के एक हिस्से को नहीं बल्कि ऑलमोस्ट सारे हिस्सों को धीरे धीरे करके इन्वॉल्व करता है जैसे किडनी हो गया हमारी सारी उस तरह से आंख को भी इन्वॉल्व करता है हमारे आंख को जैसे इन्वॉल्व करेगा तो आंख के पर्दे में सूजन हो जाना आंख के पर्दे में खून आना तो ये सारी चीजें होती हैं और इसका मोस्ट कॉमन जो होता है वो हमारा ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज मतलब जितने दिन से हमको मधुमेह अर्थात शुगर की जो बीमारी है उतने दिन से उतना ज्यादा चांसेस होते हैं हमारे आंख को इन्वॉल्व करने की जी, जी, जी. तो जब भी शुगर है किसी भी पेशेंट को तो आ, अपने निकटतम नेत्र रोग विशेषज्ञ से मिलना है और पर्दे की जांच रेगुलर बेसिस पे करवाते ही रहनी चाहिए ये तो हो गई शुगर को लेकर के चालीस के बाद एक बार पर्दे की जांच जरूरी है खास करके मान लीजिए जैसे एक होता है काला मोतिया जिसको ग्लोकोमा बोलते हैं तो मान लीजिए किसी अगर मरीज को ग्लोकोमा है या उस तो वो कैसे पहचान सकता है हुँ, या कैसे क्योंकि इसको काला मोतिया है, बोलते हैं ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्टार्टिंग में बिल्कुल पता नहीं चलता हाँ, हाँ, हाँ। है और ये धीरे धीरे करके रोशनी को खत्म कर देता है तब मरीज को पता चलता है इसमें फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा। है अगर किसी के माता पिता या भाई को ग्लोकोमा डिटेक्ट हुआ है हुँ हुँ हुँ। तो उनको भी होने के चांसेस है तो ऐसे कंडीशंस में जज आ, हमेशा नेत्र रोग विशेषज्ञ से मिलना है और 40 के बाद एक बार जरूर आ, मित्र रोग विशेषज्ञ को दिखा के अपने पर्दे की जांच करवाती रहनी चाहिए आंखों का प्रेशर होता है आंखों के प्रेशर को चेक करवाते रहना चाहिए। ये ग्लोकोमा के क्या क्या लक्षण शुरुआती दिखाई देते हैं शुरुआती में अधिकतर मैक्सिम जो पेशेंट्स होते हैं जो ओपन एंगल ग्लोकोमा जिसको हम लोग बोलते हैं एक टाइप का ग्लोकोमा होता है उसमें मरीज को पता ही नहीं चलता है स्टार्टिंग के कंडीशन में अच्छा, वो धीरे धीरे करके जब नस खराब हो जाती है तो पता चलता है अच्छा, लेकिन इसके अलावा कभी कभी होता है इस एंगल क्लोजर है ये सब तो आंखों में अचानक से तेज तेज दर्द उठेगा अच्छा, शाम के वक्त में जब लाइट थोड़ी कम होती है तो आंखें लाल होने के चांसेस होते हैं अच्छा, फोटोफोबिया मतलब लाइट की चमक बहुत तेज हो जाना ये बाकी बीमारियों में भी होता है बट इनमें भी देखा जाता है तो ये सारी चीजें किसी भी प्रकार से रोशनी थोड़ी अगर धुंधली धुंधली महसूस हो रही है तो उसमें ग्लोकोमा भी एक कारण होता है जिसकी वजह से तो काला मोतिया इसको कहने का कुछ का मतलब है कि आ, कुछ जी काला मोतिया इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये एक तरह से डेड एंड है मतलब इस जो नस जो हमारा जो सूख जाता है उसको हम लोग रिकवर नहीं कर सकते हैं तो इसमें एक बचाव ही हमारे पास जो ये चीज है जिसमें हम लोग बचा के रख सकते हैं ताकि हमारी रोशनी बची रहे और इसका वही तरीका ही है कि अगर हम दूसरे जब हम डॉक्टर को दिखाएंगे तभी हम उस चीज को बचा सकते हैं मतलब काला मोती मतलब जैसे लोग आमतौर हाँ। पर सोचते हैं कि कुछ हाँ। काला आ, मोती जैसा कुछ दिखाई जी जी लोग वैसे ही सोचते हैं हाँ नहीं बट इसमें ज्यादा जरूरी इसलिए क्योंकि ये एक तरह से डेड एंड है हमारे पास जो नस जो हमारा जो डैमेज हो जाता है ग्लोकोमा में ग्लोकोमा क्यों होता है क्योंकि हमारे आंख में प्रेशर बढ़ रहा है और एक बार हमारे आंख में जब प्रेशर बढ़ना चालू हो जा रहा है तो वो हमारे नस को दबाएगा और जिससे हमारी नस सूखती चली जाती है जो पार्ट नस की सूख जाती है उसको कोई तरीका नहीं है जिससे हम वापस रिकवर कर सकें अच्छा। जो नस बचा हुआ है हमको उसको बचा के रखना है तो इसीलिए बिल्कुल तो इस तरह जो, का जो अगर लक्षण दिखाई देता है तो फौरन जांच और जो, इलाज जो, के लिए जाना चाहिए तो ये समस्या फिर सह, सही हो जाती है आ, हो जाती इसको है। है इसको सही तो नहीं जैसे मैंने बताया जो सूख सूख गया गया सो बट उसको रोक के रखा जा सकता हा, हा, है, या उसकी गति को इतना धीमा किया जा सकता है कि वो और ज्यादा खराब ना हो बट इसीलिए हम लोगों को जितना जल्दी ये सारी चीजें डिटेक्ट हो जाती है उतना हमारा ट्रीटमेंट आसान होता है और हमारे इलाज कर ये जो न सूखने की सर आप बात बता रहे हैं तो ये ये प्रक्रिया मतलब कैसे क्यों शुरू होती है जी जैसे मैंने है कि अभी आँख में चूंकि हमारे आंख लीजिए ओपन एंगल है जिसमें हाँ हाँ है। है। तो तो अच्छा। तो जिस दबा रहे हैं हाँ और हाँ हाँ नस को दबाने की वजह से वो सूखने लग जाता है तो ये सारी चीजें होती है ग्लोकोमा में अब हम लोग और जैसे मान लीजिए एज बढ़ती है तो धुंधलापन के और कारणों में जैसे मोतियाबिंद हो गया सबसे जो प्रमुख कारण मतलब चश्मा लगाने के बाद भी धुंधलापन धुंदपन दिखाई देता है तो उसमें एक सबसे प्रमुख कारण मोतियाबिंद 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 मोतिया जो होती है ये तीन चार देखिए नॉर्मली तो एज रिलेटेड होती है उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है मोतियाबिंद की शिकायत बढ़ती जाती जी, है इसके अलावा कई कारण होते हैं जैसे जो पेशेंट जिनको शुगर होता है उनमें मोतियाबिंद थोड़ा जल्दी अपेयर कर सकता है कभी किसी को चोट लगा है तो मोतियाबिंद होने के चांसेस हैं हमारे जब बहुत ज्यादा गर्मी में रेडिएशन में जो लोग रहते हैं उनको मोतियाबिंद अलग अलग विभिन्न प्रकार के मोतियाबिंद होते हैं तो इसीलिए मोतियाबिंद जो है मोतियाबिंद का इलाज काफी सरल है अब सरल हो चुका है तो बिल्कुल उसका इलाज कराएं उसको हमेशा दबा के रखना नहीं कि चलो अभी वो है तो वैसा करने की जरूरत नहीं है अब जैसे जैसे हमारी जो समय गुजर रहा है और नए नए एडवांसेस हो रहे हैं तो नए नए हर चीजों की सरलता बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है तो ये जो मोतियाबिंद है ये उम्र में आ, मतलब आम है आ, किसी किन्हीं को भी हो सकता है तो बढ़ती उम्र कहने का मतलब कि 50 प्लस या 40 प्लस ही आजकल तो कह सकते हैं फोर्टी तो प्लस इस, में भी देखा इसके, देखा इसके रहा है, क्या, क्या लक्षण है जी इसमें सबसे पहले तो आंख थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देगा कभी साथ में जैसे कि मैंने बताया जो कलर्ड हेलोज बोला रहा था जो बाहर में जब हम लोग जाते हैं या ड्राइव कर रहे हैं बोलो तो ड्राइविंग में उनको अचानक से धुंधलापन दिखाई देने लगती है तो ये सारी चीज और या फिर अलग अलग रंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना तो ये सारी चीजें रहती हैं। इसके अलावा जो रोशनी जो धुंधलापन हो रही है वो समय के साथ और धीरे धीरे करके बढ़ते जाना एक साथ अचानक से नहीं आता है धीरे धीरे करके बढ़ता है अधिकांश लोगों में देखा गया है यह दोनों आंखों में ही इन्वॉल्व करता है अच्छा तो ये सब चीजें रहती हैं इसके प्रमुख तो इसमें भी इसमें भी मैं पूछना चाहूंगी कि ऐसे सीधे आंखों में देखकर हाँ। पता लगता है क्या कि मोतिया बिंद है इसमें भी कुछ मोतिया बिंद ऐसा कुछ दिखाई देता है क्या जी देखिये ये किसी भी आप ऑफेलमिक असिस्टेंट जो है गाँव हमारे गाँव हर जगह गाँव में लोग बैठे रहते हैं तो वहां पर वो लोग देख के बहुत आसानी से बता देते हैं इनफैक्ट डॉक्टर्स के पास जाइएगा तो वो लोग बिल्कुल आसानी से डिटेक्ट करके बता देंगे स्टार्टिंग में आ, लोगों को तो नहीं पता चलता है बट जब अगर मान लीजिए मोतियाबिंद पक गया है तो वहां पर सामान्य रूप से आप देखिए तो व्हाइट दिखेगा अगर न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस में हाईएस्ट ग्रेडिंग में पहुंच जाए तो काला काला भी दिख सकता है जो हमारी जो पुतली होती है पुतली के बीच में व्हाइट जैसा हिस्सा दिखने लगता है मैच्योर कैट्रैक्ट हिस्सा जो है व्हाइट व्हाइट अंदर में दिखने लगे ये अंदर के हिस्सों में तो इसको मैच्योर कैटरेक्ट जैसे हो गया तो ये सारी चीजें होती है तो वो सब दिख जाती है और पेशेंट्स को तो मतलब तो एक बार अगर मोतियाबिन हो डिटेक्ट हो जाता है तो फिर इसके बाद इसका उपचार सरल है या लंबा खींचता है जी देखिए अधिकांश लोगों में इसका इसका उपचार उपचार काफी सरल है अच्छा। और नहीं। है और ऑपरेशन ही एकमात्र इसमें ये जब आप अपने डॉक्टर को जब अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ को मिलेंगे तो वो सारी जाँच करते हैं कि हमारी रोशनी कितनी बेहतर कर सकते हैं और उसमें आपको कितनी तकलीफ हो रही है आपकी डे टू डे एक्टिविटीज में कितनी दिक्कत हो रही है आप कोई सारी जांच करते हैं अब जो ड्राइवर बाय प्रोफेशन है और उनको मान लीजिए अगर ऐसे कैटरेक्ट है जिससे कि अचानक से जब लाइट पड़ती है तो अंधकार हो जाता है जैसे सब कैप्सुलर कैटरेक्ट तो ऐसे कंडीशन में उपचार काफी अर्जेंट होती है क्योंकि इनके मतलब ये उनके ऑक्यूपेशन को ही हैम्पर कर रहा है और उसी हिसाब से उनका इलाज किया जाता है की जितने मोतियाबिंद की सिवियरिटी अगर मान लीजिए जस्ट शुरुआत हुआ है तो कुछ दिनों कुछ कुछ दिनों पे आपको डॉक्टर बुलाएंगे हाँ, और वो उसका इलाज करते इस, हैं इसका जो है, है वो नियमित कुछ दवाएं या ड्रॉप्स ये सब जी चलती रहती है हाँ, दवाइयां चलती जरूर हैं बट जो जैसे मैंने अभी बताया हाँ, हाँ। कि मोतियाबिंद का जो इलाज है वो एकमात्र इलाज ऑपरेशन ही है अभी तो लास्ट में मतलब उसको कराना ही पड़ता है बिल्कुल तो ये तुरंत ऑपरेशन हो जाता है जैसे डिटेक्ट हुआ या वेट करके लोग बहुत सारे वेट करते हैं हाँ बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर मोतियाबिंद बहुत ही हल्का है बाहर पेरिफेरी में है अभी रोशनी मेरी एकदम बहुत अच्छी आ जा रही है हाँ। या चश्मे से भी काफी अच्छा कर दे रहे हैं जी। मरीज को खुद परेशानी हाँ नहीं हो हाँ हाँ रही है तो ऐसे कंडीशन में बिल्कुल वेट किया, किया जा सकता जी है वेट किया जा सकता है जी लेकिन उसको कभी भी बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देना है अगर हम जितना ज्यादा बढ़ने देते हैं तो मोतियाबिंद के भी काफी कॉम्प्लीकेशन होते हैं अच्छा। कभी कभी जब ये एक्सट्रीम हो जाता है तो आंखों में हाइपर मैच्योर हो सकता है मोर्गेग्नियन कैटराइट कभी कभी मोतियाबिंद जो होता है एक्सट्रीम स्टेजेस जब पहुंच जाते हैं जब व्हाइट हो गया ऐसा तो फटने तक का डर रहता है तो वैसे स्टेजेस में नहीं जाने देना है बट अगर आपको मतलब वो आपकी जो नेत्र विशेषज्ञ वो आपको जब दिखाई है। तो उनको बेहतर वो वो, आप वो बता सकते हैं कि अब ऑपरेशन अभी टाइम हो गया जब, या नहीं जब, हो गया जब, जब, या वेट कर सकते हैं या नहीं सकते। हो सकते तो मतलब कहने का मतलब है कि डॉक्टर से हमेशा कॉन्टेक्ट में रहना, रहना चाहिए और उनके चिकित्सा परामर्श के अनुसार ही जो भी है दवाएं हैं या उपचार है वो कराना चाहिए ये ये सब तो उम्र से रिलेटेड समस्याएं थी सर कई बार बच्चे हैं या युवा हैं खेलते वक्त या चलते वक्त ड्राइविंग के वक्त दुर्घटनाएं हो जाती हैं और ऐसे में चोट लगते हैं आंखों में तो इसके संबंध में आ, क्या बताना चाहेंगे आप जी अगर जैसे मान लीजिए खेल रहे हैं चोट लग रहे हैं छोटी मोटी चोट है लोग सोचते हैं माँ बाप सोचते हैं छोड़ो छोटा सा चोट है हाँ और इग्नोर कर देते हैं ध्यान नहीं देते हैं इन सब चीजों को बच्चों में जी, जी। तो अगर देखिए चोट जब भी लगती है तो यह चोट कोई जरूरी नहीं कि सामने सामने में भी हो हाँ। चोट जो है वो गहराई अंदरूनी भी हो सकती है और वो पर्दे को भी डैमेज कर सकते हैं तो हमेशा जब भी चोट लगती है तो आप जब भी किसी को जब नेत्र रोग विशेषज्ञ सलाह लेते हैं तो वो लोग हमेशा पर्दे की भी जांच करते हैं साथ में रोशनी जांच करते हैं कि कोई चोट लगी है कि नहीं चोट में जो होती है वो क्योंकि किसी चीज से मान लीजिए किसी चीज से टकराव होता है तो टकराव होने से वो आंख के अंदर में कितना डैमेज किया है क्या डैमेज किया है वह देखने के बाद ही कई बार नुकीली चीजें भी अंदर चली जाती है जी जरूर जी, इसके अलावा जैसे अब चोट लगी मान लीजिए ये आंख को सामने से ही डैमेज कर दिया ये सब का इलाज एकदम अर्जेंट होता है और एकदम इमीडिएटली करवाना जी, जरूरी है अगर इन सब कुछ जल्दी करने से हमारे आंखों को बचाया जा सकता है एक और चीज साथ में मैं सलाह देना चाहूंगा जो आमतौर पर हो रही है हमारे जैसे भाई बंधु लोग जो वेल्डिंग कर रहे हैं या ये सब चीजें कर रहे हैं इसके मैं डेली देखता हूँ दिन भर में आठ से दस बार ये लोग इग्नोर करते हैं छोड़ो बिना चश्मा का ही हम लोग आराम से करेंगे ऐसे चश्मा यूज करें जिसमें कहीं से भी आंख के अंदर में बेल्डिंग की सारी चीजें न जाए वजह है कि अगर ये आपके सेंटर को इन्वॉल्व कर देता है जहां पे जलाता है तो थोड़ी रोशनी को हमेशा कमजोर कर देगा अच्छा। तो इन सब चीजों का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए देखिए, हमेशा जो है वो बचाव ही सबसे अच्छी चीज है बिल्कुल। इलाज से तो हमेशा बचा के रखनी चाहिए और इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल तो ये बहुत अच्छी बात आपने सर बताई है कि किसी भी कारण से अगर चोट लगती है आंख में चाहे वो बाहरी हो अंदरूनी हो इमीडिएटली मतलब जितनी जल्दी हो सके उसका उपचार, उपचार कराना बहुत मतलब जरूरी है इसके लिए वेट नहीं करना है और जो लोग ऐसे काम में लगे हैं कि आंखों में उसका बुरा असर पड़ता है तो उसमें जो सावधानियां हैं वो हमें बरतनी चाहिए तो समय अब हमें इजाजत नहीं दे रहा सर कि आपसे और सवाल करें लेकिन चलते चलते एक दो लाइन में अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें कुछ खाना पान को ले कर, को लेकर लेकर एक्सरसाइज अपने आँखों के स्वास्थ्य के लिए जी जरूर हमारी आंखें बहुत अनमोल होती हैं और इनका देखभाल हमारे ऊपर ही निर्भर करता है हमें बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी को इग्नोर नहीं करना चाहिए नहीं। हम अधिकतर गांव वाले अपने भाई बंधुओं को बोलना चाहते हैं कभी भी खुद से कभी कोई दवा लेके खुद इलाज ना करें चाहे वो आँख लाल है सब सोचें कि छोटी सी छोटी बात है बट कौन सी छोटी बात वो बड़ी हो जाती है वो हम लोग नहीं बोल सकते हैं खान पान हमेशा फास्ट फूड इन सब चीज़ों को अवॉइड करें और हमारे जो हरी सब्जी हो गए पीले फल हो गए ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं जब कभी किसी कोई बच्चे होते हैं अगर वो बोल रहे हैं मुझे दूर का धुंधला दिखता है इन सब छोटी छोटी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी को इलाज कराना ज्यादा अच्छा होता है बनिस्पत की हम लोग उसको इग्नोर करते रहे बिल्कुल बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया है सर और बहुत ही अच्छी जानकारियां आज आपके माध्यम से लोगों तक पहुंची है लोग इन्हें सुना है उन्होंने और उनका ध्यान देंगे और अपनी आंखों को बिल्कुल स्वस्थ रखेंगे इसी उम्मीद के साथ सर आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं नमस्कार और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार